पावन धरातल इस पावन मंदिर में दो दिन तक लगातार अटेंडेंस की सेवा करने वाले चेयरमैन की टीम हमारे मुख्य अध्यक्ष के रूप में जो स्वागत है यहाँ के हमारे विद्या जी हमारे सांसला जी अजय जी तेजराम जी सांसला जी सभी टीम के मेरे साथियों आपने दो दिन तक सेवा की माता की और लगातार आप 24-25 साल हो गए हमारे माता जी सेवा के वक्त 26 साल हो गए और मेरे पुलिस स्टाफ के सभी नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 9 दिन तक व्यवस्था बनाए रखने में काफी योगदान बदल दी और अब की बार पर ही आ जाते हैं किसी कारण बीच में हमेशा रिपोर्ट करते हैं यहाँ का बगीचे का पत्ता तक नहीं लाया इसलिए मैं आपको पूरे धन्यवाद देना चाहूँगा साथ में सारे गुजरात के गांव में गरबा खेलने के लिए आए गए साथियों दोस्तों बहनों आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप इतने लगन से माता जी प्रांगण में गरबा खेलने के लिए इतनी संख्या में आए आपने भी अच्छी व्यवहार तक प्रेम तक रखते हुए प्रेम भाव बनाए रखते हुए आपने भी किसी भी प्रकार की आपकी सर्कल सीता करी है इसलिए आप सबका मैं स्वागत आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से कि हमारे जो देवी देवता है हमारे भारतीय जो संस्कृति है इस भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा को किस तरह से हमारे एक मेले के रूप में देवी देवताओं के पूजा पाठ करने के लिए आप सब इकट्ठे होते हो और इतने व्यवस्थित रूप से दूर दराज से आने के बाद में अपने घर पे जाते आते हो इसके लिए भी आपको मैं सभी को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने ये मांडवा ये जो गरबा है गरबा गुजरात से शुरू हुआ था जूनागढ़ पावागढ़ अंबाजी आज की तारीख में गुजरात स्टेट में अंबाजी और जो पावागढ़ गरबे के हिसाब से फेमस है और हमारे राजस्थान के अंदर अपना मांडवा कोटरा पे मांडवा इसके बाद में हमारे ये अजमेर से आगे गरबा नहीं खेलते हैं इधर से आप जब भीलवाड़ा कोटा से आगे गरबे नहीं है उदयपुर में गरबे जरूर है और एक दिन अपना पूरे राजस्थान के अंदर ये गरबा जो खेला जाएगा तो नाम कहाँ से शुरू होगा हमारे मांडवा से शुरू होगा मांडवा का गरबा राजस्थान का पहले शुरू हुआ और इसके बाद में पूरे राजस्थान में शुरू हुआ ये हमारी एक आस्था है और हमारे जो हिंदू संस्कृति में हमारी जो परंपरा जो शुरू से रही है आप कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है हमारा एक भी महीना ऐसा नहीं जाता है कि हिंदुओं के कोई ना कोई पर्व ना हो और हमारे सब पे हमारा विश्वास है मैं आपको उदाहरण दूं जैसे कोटरा के अंदर ऐसी गतिविधियां चल रही है जैसे ईसाईकरण कोई है ईसाईकरण वो के हमारे देवी देवता को मानते नहीं है हमारे माता जी को नहीं मानते हनुमान जी को नहीं मानते केतला वासी को नहीं मानते वीर वासी को नहीं मानते कर्म वासी को नहीं मानते तुबराज वासी को नहीं मानते तेरह वासी को नहीं मानते ऐसे भी हमारे कोटरा के अंदर ईसाईकरण करने के लिए लोगों को प्रलोभन दे के लालच दे के वो कोई दुख को दूर करने के लिए तुम्हारे में हम ये तुम दूर कर देंगे वो कर देंगे इस तरह से लोग लालच दे के और वो ईसाई करण करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से हम साथ रहे हो ये हमारा जो हमारे जो देवी देवता है आज के लिए हमारे प्रेम का हमारी जो उत्पत्ति हुई थी हमारी संस्कृति के साथ साथ हम प्रेम के साथ में हमारे धार्मिक मेले होते हैं हमारे हम पूजा करते हैं ऐसे मैं आपको बताऊं पूरे विश्व के अंदर जो हमारे जो भारतीय जो संस्कृति है पूरे विश्व में कहीं नहीं है अगर किसी की अगर संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति है विश्व में हमारे लोगों को एक देवी देवताओं की तरह मानते हैं विदेशों में कोई प्रकार की ऐसा ही नहीं है कोई धर्म भी नहीं है कोई वहाँ देवी देवता भी नहीं है और हमारे देश आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है और साथ में आप सभी से ये भी निवेदन करूँगा आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर पे पिछली बार नवरात्रि में अमेरिका गए थे हमारे मोदी